नमस्कार, मैं मोहम्मद अनवर, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसलमेर। आप सभी का स्वागत करता हूं टीटीसी एंड एलआरडीसी के ई लर्निंग चैनल पर। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द ब्रीफ स्टडी ऑफ सीआरओ, यानी सीआरओ की एक ब्रीफ स्टडी करेंगे। और इसमें हम ये फॉलोइंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरओ, सीआरओ क्या होता है, जो सीआरओ के मुख्य पार्ट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जैसे सीआरटी, और सीआरटी के अंदर काफ़ी जो पार्ट्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड द डिस्प्ले सेक्शन, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि एक जनरल पर्पज जो सीआरओ होता है वो किस तरह से काम करता है और उसका एक जनरल ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेवफॉर्म, यानी जो वेवफॉर्म है वो स्टेशनरी दिखाई दे उसके लिए हमको सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ता है, तो वो कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेजरमेंट्स हम सीआरओ की मदद से कर सकते हैं, जैसे कि हम एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी एंड फेज शिफ्ट जो है कैसे उसकी गणना कर सकते हैं विद द यूजिंग ऑफ सीआरओ। के बाद देखेंगे कि लिसाजोस पैटर्न्स कैसे ऑप्टेन किए जाते हैं इन सीआरओ और उनसे कौन कौन से जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। एट द एंड वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन एंड द यूजेस ऑफ सीआरओ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, सीआरओ स्टैंड फॉर द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। बेसिकली सीआरओ में एक ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। तो वहाँ पे एक कैथोड होता है जिसको हीट करने पर इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन एमिशन से एक बीम जनरेट होती है, एक रे जनरेट होती है और इस रे की वजह से स्क्रीन पर जो है इसका मूवमेंट होने से डिस्प्ले हमको होता है। सो ये रे जो है अकॉर्डिंग टू इनपुट सिग्नल ऑसिलेट करती है, बार बार एक ही पैटर्न को बनाती है और देर इज़ एन स्कोप, देर इज़ एन डिस्प्ले जिसकी वजह से हमको ये रे जो है वो दिखाई देती है, इल्यूमिनेशन होता है और वो हमको दिखाई देती है वेवफॉर्म। सो फॉर दिस पर्पज इसका जो नाम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप रखा गया है। सीआरओ जो है बहुत ही यूजफुल एंड वर्सटाइल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिस्प्ले, यानी हम डिफरेंट काइंड ऑफ वेवफॉर्म को डिस्प्ले करवा सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी कई सारे पैरामीटर्स को मेजरमेंट कर सकते हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उनको एनालिसिस करते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है जो आप लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक लेबोरेटरीज में और इलेक्ट्रिकल लेबोरेटरीज में हम देख सकते हैं। और इनके जो यूजेज हैं, अगर हम देखें कि और जो एनालॉग सीआरओ है, अब इतने सीआरओ जो है वो इवॉल्व हो चुके हैं कि हम अप टू 1 GHz तक फ्रिक्वेंसी तक हम सिग्नल को मेजर कर सकते हैं और बहुत लोअर फ्रिक्वेंसी अप टू 20 Hz तक हम सिग्नल का अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं और उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 1 GHz से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का सिग्नल देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो उस केस में हमको अदर सीआरओ की ज़रूरत पड़ती है जिनको हम सैम्पलिंग सीआरओज कहते हैं। सैम्पलिंग सीआरओज में एक जो है टाइम डोमेन में सैम्पलिंग की फैसिलिटीज़ होती है। वो क्या करते हैं कि पर साइकिल जो है एक एक सैम्पल वो कलेक्ट करते हैं और सैम्पल जो कलेक्ट किया जाता है वो टाइम डोमेन में शिफ्टेड होते हैं। उन सब शिफ्टेड वर्जन ऑफ सैम्पल्स को इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और उनका एक कंबाइन सिग्नल और पिक्चर बना के देन उसको जो सिंपल आपका सीआरओ होता है उस पर डिस्प्ले करवाया जाता है। तो सैम्पलिंग सीआरओ से हम अप टू 20 GHz जो सिग्नल है, फ्रिक्वेंसी का जो सिग्नल है उसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि हम सिर्फ जो पीरियोडिक सिग्नल है या जो रिपीटेटिव सिग्नल्स हैं उनको ही हम जो जिनकी हाई फ्रिक्वेंसी है उनको ही हम डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि द एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ इज मेनली इन्वॉल्व इन द रेडियो एंड टीवी सेक्शन, यानी इन रेडियो कम्युनिकेशन। जैसा हम जानते हैं कि रेडियो में AM मॉड्यूलेटेड वेव्स होती है, FM मॉड्यूलेटेड वेव होती है, तो हम देखते हैं कि ये दो एग्जांपल है जिसमें
वेवफॉर्म दिखाई दे रही है, ये एक साइनसोइडल वेवफॉर्म है और ये एक एएम वेवफॉर्म है जिसमें ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और आफ्टर द मॉड्यूलेशन प्रोसेस आपको एएम वेव दिखाई देती है। तो इन रेडियो सेक्शन अगर आपको देखना है कि किस तरह से आपका एएम सिग्नल ऑप्टेन हुआ है इन रेडियो कम्युनिकेशन, उसमें कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है, नॉइस कितनी है, तो ये सारा एनालिसिस हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो अलग एप्लीकेशन है वो है टीवी सेक्शन, टीवी रिसीवर। जैसे टीवी है, टीवी में अलग अलग सेक्शंस होते हैं और उनमें एक प्री डिफाइंड वेवफॉर्म होती है, तो अगर हम उस सेक्शन को देखना चाहते हैं कि वो ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है या उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन का आउटपुट देखा जा सकता है। और अगर उसमें जो वेवफॉर्म है, जो वीडियो सिग्नल है, अगर वो प्रॉपर नहीं आ रहा है तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो इन लेबोरेटरी वर्क्स, इन रेडियो कम्युनिकेशन, इन टीवी रिसीवर्स, दे आर लॉट ऑफ यूजेज ऑफ द सीआरओ, जिसकी वजह से हम डिफरेंट काइंड ऑफ वेवफॉर्म्स को देख सकते हैं, उनको एनालिसिस कर सकते हैं अच्छे से। सो देर इज अ लॉट ऑफ यूजेज ऑफ सीआरओ इन रिसर्च एंड द डिजाइन प्रोसेस। द मेन पार्ट ऑफ सी आर ओ, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो सी आर टी होती है, कैथोड रे ट्यूब इज द हार्ट ऑफ द सी आर ओ, जिसमें एक कैथोड होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट्स होते हैं और ये पूरी एक असेंबली होती है जिसको इलेक्ट्रॉन गन असेंबली कहते हैं, जिसको हम आगे जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। और एक डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली होती है जो कि बीम को डिफ्लेक्ट करवाती है, और देर इज एन डिस्प्ले सेक्शन जिसमें स्क्रीन होती है और जो कि आपको एक वेवफॉर्म को ऑब्जर्व आप कर सकते हैं उसमें। और ये सारा जो चीजें हैं वो एक ग्लास के एनवलप में, इवेक्यूएटेड ग्लास एनवलप में पैक्ड होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से फ्रीली मूवमेंट कर सके। तो ये टू डायमेंशनल पिक्चर है सी आर टी, कैथोड रे ट्यूब। इस कैथोड रे ट्यूब में सबसे पहले यहाँ पे एक हीटर लगा होता है, हीटर की वजह से जो कैथोड है वो इनडायरेक्टली हीट होता है, और कैथोड हीट होने से उसमें से जो है इलेक्ट्रॉन एमिट्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक होल से पास होते हैं। ये होल जो है बेसिकली एक निकल का एक सिलेंडर होता है, उसके बीच में एक होल होता है और इस सिलेंडर को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रिड। तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल से पास होता है। यहाँ पे कंट्रोल ग्रिड देने का जो मतलब है वो ये है कि अगर आप इस कंट्रोल ग्रिड को नेगेटिवली बायस कर दें, सो अगर आप नेगेटिवली बायस कर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं कैथोड से उसको कंट्रोल कर सकता है, यानी जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ जो बीम है वो डिपेंड करती है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पे नेगेटिवली इसको बायस करते हैं और हाईली नेगेटिव वोल्टेज लगाते हैं तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट्स हो रहे हैं उनको कंट्रोल करता है। तो बेसिकली कंट्रोल ग्रिड की मदद से, यानी उस पर लगे नेगेटिवली बायस वोल्टेज से, हम लोग जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होने के बाद जो है काफी सारे एनोड से ये पास होता है, दैट इज प्री एक्सेलरेटिंग एनोड एंड फोकसिंग एनोड एंड द एक्सेलरेटिंग एनोड। बेसिकली जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है तो उनकी जो वेलोसिटी होती है काफी कम होती है, तो उनको एक्सेलरेट करने के लिए हम जो है एक्सेलरेटिंग एनोड्स काम में लेते हैं। इन एक्सेलरेटिंग एनोड्स को, यानी प्री एक्सेलरेटिंग एनोड्स एंड एक्सेलरेटिंग एनोड्स को काफी हाई वोल्टेज से ये कॉमनली कनेक्टेड होते हैं, लगभग 1500 वोल्ट पे ये कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है हाईली स्पीड से एक्सेलरेट होते हैं और हाईली स्पीड से एक्सेलरेट होते हैं और वो जाके जो है स्क्रीन पे स्ट्राइक करते हैं। सो इन दोनों के बीच में एक और एनोड होता है जिसको हम लोग कहते हैं फोकसिंग एनोड। फोकसिंग एनोड जो है बेसिकली इतने हाई वोल्टेज से कनेक्ट नहीं होता, ये कंपैरेटिवली कम वोल्टेज यानी लगभग 500 वोल्ट पे ये कनेक्ट होता है और वो जो सप्लाई होती है वो एडजस्टेबल होती है। तो इस फोकसिंग एनोड से हम जो बीम है उसका फोकस चेंज कर सकते हैं, यानी जब इसके वोल्टेज को कम ज़्यादा करेंगे जो बीम है वो फोकस्ड और अनफोकस्ड होगी, यानी बीम जो है वो या तो शार्पली डिस्प्ले होगी, पूरी तरह से फोकस होगी, या फिर उसमें थोड़ा सा जो है वो अनफोकस्ड होगी और क्लियरली विजिबल नहीं होगी। तो इसकी मदद से हम ये जो है चीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो
सीआरओ का जो फ्रंट पैनल होता है उसके टॉप लेफ्ट बॉटम में दो नॉब्स होती है, जिसको एक तो है इंटेंसिटी, जिसमें आप जब चेंज करते हो तो इलेक्ट्रॉन की कितने इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रहा है, ये बेसिकली कंट्रोल ग्रिड की वोल्टेज को चेंज करता है, जिससे आप जो वेवफॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है उसकी इंटेंसिटी या उसकी जो चमक है, उसकी जो विजिबिलिटी है, उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड नॉब है वो फोकस को बताती है। फोकस मीन्स अगर आप जो आपकी बीम है उसको आप ये वेरिएबल करते हो फोकस नॉब को, तो यहाँ पे जो उसका जो फोकस है वो चेंज हो सकता है। तो इन दोनों जो नॉब्स है बेसिकली ये इसके वोल्टेज को ग्रीड वोल्टेज को कम ज़्यादा कर रही है, नेगेटिवली बायस वोल्टेज को, और फोकसिंग एनोड जो है वो इसके वोल्टेज को एडजस्टेबल जो वोल्टेज होता है उसको कम ज़्यादा कर रही है। और जब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से इस सेक्शन से पास हो जाती है, ये बेसिकली पूरी इलेक्ट्रॉन गन असेंबली है। तो इस गन असेंबली से इलेक्ट्रॉन गन असेंबली से जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीम पास हो जाती है तो फिर ये डिफ्लेक्शन सेक्शन में आता है। डिफ्लेक्शन सेक्शन में दो टाइप के डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती है, एक तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, दिस इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट जो कि बीम को वर्टिकली डिफ्लेक्ट करती है। ये जो डिफ्लेक्शन असेंबली है या डिफ्लेक्शन होता है वो टोटली इलेक्ट्रोस्टेटिक डिफ्लेक्शन होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो बीम होती है इलेक्ट्रॉन बीम पे नेगेटिवली नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर हम प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से जो बीम है इलेक्ट्रॉन बीम है वो अप या डाउन डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे अगर हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे तो बीम जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट टू राइट जो है वो या राइट टू लेफ्ट जो है वो डिफ्लेक्ट होगी, और आफ्टर डिफ्लेक्शन ये जो बीम है यहाँ पे एक स्क्रीन पे इसके इनर साइड पे एक फॉस्फोरस मेटल की कोटिंग की जाती है। जब इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक की वजह से जो फॉस्फोरस मेटल है वो इल्यूमिनेट होता है, चमक पैदा करता है, जिसकी वजह से हमको वो स्पॉट या वेवफॉर्म जो है वो दिखाई देती है। के बाद यहाँ पे एक और मटेरियल की कोटिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्वाडेक कोटिंग। एक्वाडेक कोटिंग बेसिकली एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट होता है, यानी ग्रेफाइट का एक्वस सॉल्यूशन होता है जो कि यहाँ पे कोटेड होता है, और ये एक सेकेंड एनोड से कनेक्टेड होता है। ये इसलिए लगाया जाता है कि जब बहुत हाई स्पीड की जो इलेक्ट्रॉन बीम है यहाँ पे स्ट्राइक होती है तो यहाँ से कुछ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट होते हैं, तो उनको कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये कोटिंग की जाती है, कंडक्टिंग मेटल की कोटिंग की जाती है ताकि उनको कलेक्ट किया जा सके और उनको वापस जो है पॉजिटिव एनोड से जोड़ दिया जाता है, ताकि जो सीआरटी का जो है इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहे, ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं और वापस जो है उनको हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसकी वजह से जो है सीआरटी का इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सके। सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कैथोड रे ट्यूब, और इसकी वजह से हम जो है वेवफॉर्म हमको दिखाई देती है। ये फ्रंट पैनल जिसको हमने डिस्कस किया ही है, ये हम आगे और डिस्कस करेंगे उनमें कौन कौन सी नॉब्स होती हैं और ये किस तरह से काम करता है। ये सीआरटी का थ्री डायमेंशनल व्यू है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो हीटर है, हीटर की वजह से कैथोड जो है वो हीटअप होता है इनडायरेक्टली, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोल ग्रिड जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और यहाँ सिलेंड्रिकल एक होल होता है जिससे इलेक्ट्रॉन बीम पास होती है, और जो एक्सेलरेटिंग एनोड्स है और फोकसिंग एनोड्स है वो भी एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, और जो प्लेट्स हैं प्लेट की वजह से जो है यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है, और डिफ्लेक्शन करने के बाद जो है एक प्री डिफाइंड आफ्टर डिफ्लेक्शन जो हम चाहते हैं उस पोजिशन पे स्पॉट जो है वो स्ट्राइक होता है, और वहाँ पे एक फ्लोरोसेंस फिनोमिना होता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन की जो बीम है काफ़ी तेज गति से यहाँ पे स्ट्राइक होती है तो जो फॉस्फोर के जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो एटम्स हैं वो हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से एक्साइटेशन की वजह से ल्यूमिनेंस क्रिएट होता है, और इस फिनोमिना को फ्लोरोसेंस फिनोमिना कहा जाता है, और जिससे हमको वेवफॉर्म जो है या इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो दिखाई देती है। एक जो जनरल पर्पस सीआरओ होता है वो किस तरह से काम करता है, उसको
उसका जो जनरल ब्लॉक डायग्राम होता है वो कैसा होता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो एक टिपिकली हम सीआरओ को चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो डिस्प्ले सेक्शन, एक वर्टिकल कंट्रोलर सेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल कंट्रोलर सेक्शन एंड ट्रिगर सेक्शन। तो ये क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं वो हम देखते हैं। किसी भी जनरल पर्पज जो सीआरओ है उसका सबसे सिंपलेस्ट ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक यहाँ पे सीआरटी ट्यूब है, कैथोड रे ट्यूब है, और इनपुट जो सिग्नल है जिसको हमको डिस्प्ले कराना है, सपोज करो कि ये एक साइनोसोइडल सिग्नल है जिसको हमको डिस्प्ले करवाना है। सबसे पहले जो इनपुट सिग्नल है वो एक वर्टिकल एम्पलीफायर सेक्शन में आएगा, और वर्टिकल एम्पलीफायर सेक्शन से होते हुए ये डिफ्लेक्शन वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में ले जाएगा। तो हमको सिग्नल को एम्पलीफाई करना पड़ता है, क्योंकि कई बार इनपुट सिग्नल इतना वीक होता है या इतना कैपेबल नहीं होता है कि ये यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करने पे जो बीम है उसको डिफ्लेक्ट करा पाए। तो इसके लिए हमको यहाँ पे वर्टिकल एम्पलीफायर यहाँ पे देना होता है, और उसकी वजह से उसके बाद सिग्नल को वर्टिकल डिफ्लेक्शन सेक्शन में अप्लाई करना होता है। उसके बाद जो वर्टिकल एम्पलीफायर सेक्शन का जो आउटपुट है वो वापस हम जो है ट्रिगर सर्किट में देते हैं। ये बेसिकली ट्रिगर सेक्शन है जिसमें क्या होता है कि सिंक्रोनाइजेशन ऑप्टेन होता है, यानी इनपुट सिग्नल और जो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से जो टाइम बेस जनरेट हो रहा है, टाइम बेस मतलब एक सातुत वेव जनरेट हो रही है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेट्स में बीम को लेफ्ट टू राइट जो है वो हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट कराती है, और जो वर्टिकली डिफ्लेक्शन होता है वो इनपुट सिग्नल पर निर्भर करता है, यानी इनपुट सिग्नल का जो वोल्टेज है उसके हिसाब से जो है वर्टिकली जो है बीम डिफ्लेक्ट होती है, और उसको प्लॉट करने के लिए एक्स वाई में एक्स डायरेक्शन में प्लॉट करने के लिए यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट रैंप वोल्टेज यहाँ पे देना होता है जो कि टाइम बेस जनरेटर जनरेट करता है। अब यहाँ पे जो दोनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, यानी जो वर्टिकल सॉरी इनपुट जो सिग्नल है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसकी फ्रिक्वेंसी और टाइम बेस जो जनरेटर है उसकी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, या उसके कुछ मल्टीपल में या सब मल्टीपल में होनी चाहिए। तो उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए यहाँ पे एक ट्रिगर सेक्शन लगाया जाता है ताकि ये इन दोनों की फ्रिक्वेंसी को सिंक्रोनाइज कर सके। उसके बाद हाई वोल्टेज सप्लाई की जरूरत पड़ती है इन सीआरटी, यानी हमने देखा कि जो एक्सेलरेटिंग एनोड्स हैं उसको काफी हाई वोल्टेज देना पड़ता है, लगभग 1500 वोल्टेज के आसपास। तो उसके लिए हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, और जो लो वोल्टेज सप्लाई है वो अदर सर्किटरी जो होती है सीआरओ के लिए उसको हम यहाँ से सप्लाई देते हैं। सो आफ्टर डिफ्लेक्शन द बीम जो है वो स्क्रीन पे यहाँ पे पहुँचती है, और यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि फॉस्फोरस स्क्रीन होती है, फॉस्फोरस मेटल की कोटिंग होती है, और यहाँ पे जब ये स्ट्राइक करती है तो ल्यूमिनेंस क्रिएट होता है और हमको जो वेवफॉर्म है या स्पॉट है वो दिखाई देती है। ये एक सबसे सिंपल वे है जिसकी वजह से ऑब्जर्वेशन ऑफ वेवफॉर्म सीआरओ, यानी सीआरओ में जो वेवफॉर्म है वो किस तरह से दिखाई देती है। तो हम इसमें देखते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि जो इनपुट सिग्नल है वो वर्टिकल सेक्शन में यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, और जो टाइम बेस जनरेटर है यानी जो सातुत वेव जनरेटर है या कॉन्स्टेंट रैंप वोल्टेज है वो हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर से होता हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इनपुट सिग्नल है वो इनपुट वेवफॉर्म अप्लाई टू द वाई प्लेट्स यानी वर्टिकल प्लेट्स पे अप्लाई किया जाता है, और जो सातुत स्वीप है या सातुत वेव है वो एक्स प्लेट यानी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे अप्लाई किया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को मार्क करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये वो ये जो पॉइंट्स है ये बेसिकली इस इनपुट सिग्नल के वोल्टेजेस को बता रहा है। इन जो इनपुट वोल्टेज सिग्नल्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इनको टाइम के रेस्पेक्ट में हमको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। सो कॉन्स्टेंटली जो बीम है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो मूव होनी चाहिए। तो लेफ्ट टू राइट बीम को मूव कराने के लिए हमको एक ऐसा सिग्नल देना पड़ेगा, एक वोल्टेज सिग्नल देना पड़ेगा जो कि लीनियरली टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे एक सिग्नल है जो कि ये कांस्टेंट लाइन हम लोग देख सकते हैं जो टाइम के रेस्पेक्टली कांस्टेंटली वेरी हो रहा है। सो जब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करेंगे, ए पॉइंट को प्लॉट
ए बी सी डी ई एफ जी एच पॉइंट को जब टाइम के रेस्पेक्ट पे हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे एक वेवफॉर्म दिखाई देगी और इस तरह से सीआरटी वेवफॉर्म दिखाई देगी। अब हम देखते हैं कि जैसे कि जो स्वीप सिग्नल है उसका जो टाइम पीरियड है वो दुगना है एक जो साइकिल है उसके टाइम पीरियड से, यानी जो सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो डबल है स्वीप सिग्नल की फ्रिक्वेंसी से। तो इसलिए हमको यहाँ पे दो जो सिग्नल है वो दिखाई देती है। अगर हम चाहते हैं कि जो है अगर इन दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होगी, यानी जो टाइम टाइम पीरियड है स्वीप सिग्नल का और जो सिग्नल है आपका इनपुट सिग्नल है उसका जो टाइम पीरियड वो दोनों का अगर सेम होता तो यहाँ पे एक साइकिल दिखाई देती है। जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि आप इस केस में सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि जो सीआरटी बीम है वो एक पैटर्न या वेवफॉर्म को ड्रॉ करती है, उसके बाद एक बहुत ही स्पीड से बार बार उसको जब उसी पोजीशन पे प्लॉट किया जाता है तो हम उसको कंटिन्यूसली देख पाते हैं और हमको लगता है कि जो वेवफॉर्म है वो स्टेशनरी है। तो वेवफॉर्म अगर स्टेशनरी दिखे इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बीम है वो बार बार उसी जगह पे उसको प्लॉट करे। इसका मतलब है कि जो फ्रिक्वेंसी और वर्टिकल इनपुट सिग्नल है जिसको हम देखना चाह रहे हैं वो मस्ट बी इक्वल टू एन एग्जैक्ट मल्टीपल, या तो इक्वल होनी चाहिए या उसका एक एग्जैक्ट मल्टीपल होना चाहिए किसकी, स्वीप सिग्नल फ्रिक्वेंसी यानी जो सातुत फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है उसके बराबर होना चाहिए या उसके एग्जैक्ट मल्टीपल होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो उसकी वजह से आपको जो वेवफॉर्म है वो स्टेबल या स्टेशनरी दिखाई देगी। अगर ये ऐसा नहीं हो पाता है तो आपको वेवफॉर्म चलती हुई दिखाई देगी, या तो लेफ्ट टू राइट वो मूवमेंट करती हुई दिखाई देगी या फिर राइट टू लेफ्ट मूवमेंट करती हुई दिखाई देगी। इस पर्टिकुलर डायग्राम हम देख सकते हैं कि सपोज करो कि वर्टिकल आपका जो सिग्नल है वो है, इसके कई सारे मल्टीपल साइकिल्स होगी, हमने सिर्फ दो ही साइकिल लिया है जैसे, ठीक है। उसके बाद आपके जो स्वीप जनरेटर आउटपुट है वो या तो इस तरह से हो सकता है कि इसका जो एक टाइम पीरियड है, एक साइकिल का जो टाइम पीरियड है इस स्वीप जनरेटर के एक जो स्वीप सिग्नल है उसके टाइम पीरियड के इक्वल है, या फिर जो आपका स्वीप जो सिग्नल है उसका टाइम पीरियड जो है वो इस टाइम पीरियड से दुगना है, ठीक है। सो इस केस में यहाँ पे एक साइकिल ड्रॉ होगी सीआरटी पे और इस केस में यहाँ पे दो साइकिल जो है वो ड्रॉ होगी, यानी अगर आप इसके टाइम पीरियड में या इसके फ्रिक्वेंसी में आप चेंज करते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इस सिग्नल को ऑब्जर्व करते हो। तो यही होता है जब आप इसके फ्रंट पैनल पे जैसा कि हम देखते हैं इसके फ्रंट पैनल पे एक नॉब होती है जिसको कहते हैं टाइम पर डिवीजन। टाइम पर डिवीजन इज बेसिकली जब आप इसको चेंज करते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट वेज से उस सिग्नल को देख सकते हैं, यानी उसका टाइम जो ड्यूरेशन वो चेंज होता है, यानी आप कितना कंफर्टेबल हो उसको देखने में, आप उसके उसको नैरो कर सकते हो, उसको ब्रॉड कर सकते हो, इसके इससे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी में कोई भी फर्क नहीं आएगा, सिर्फ आपका देखने का जो नजरिया है वो उसको चेंज करता है टाइम पर डिवीजन। तो बेसिकली जब आप ये चेंज करते हो तो ये यहाँ पे जो है हम बेसिकली इसकी फ्रिक्वेंसी या इसके टाइम पीरियड को चेंज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन जो है किस तरह से ऑप्टेन किया जाता है। सिंक्रोनाइजेशन दो तरीके से ऑप्टेन किया जा सकता है। पहला जो मेथड है वो है फ्री रनिंग स्वीप मेथड। फ्री रनिंग स्वीप मेथड में बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सर्किट होता है, एक ट्रांजिस्टर होता है और एक ट्रांजिस्टर के आउटपुट में एक कैपेसिटर लगाता है, वो कैपेसिटर चार्ज होता है डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है डिस्चार्ज होता है, जिससे हमको एक सातुत वेव जो है हमको मिलती है, वेवफॉर्म मिलती है। और ये जो वेवफॉर्म है इसको हमको फोर्सली इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है ताकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इनपुट सिग्नल के नियर अबाउट जो है वो सेम आ जाए और उसकी वजह से हम जो है सिंक्रोनाइजेशन ऑब्टेन करते हैं, यानी जो आपकी वेवफॉर्म है वो आपको स्टेबल या स्टेशनरी दिखाई देती है। लेकिन ये जो मेथड है वो सबसे सिंपल मेथड है और इसमें इन जनरल केस में प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जब सिग्नल का एम्पलीट्यूड काफ़ी कम होता है या ऐसा सिग्नल जिसमें एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी बार बार चेंज होती रहती है, जैसे वॉइस सिग्नल में म्यूजिक सिग्नल में एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी होती है वो चेंज होती है, तो उस केस में सिंक्रोनाइजेशन ऑप्टेन करना मुश्किल हो जाता है।
तो ये हम देख सकते हैं कि एक सातुत वेव जिसका जो स्वीप टाइम है वो काफी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द ट्रेस रिट्रेस टाइम में। जल्दी से ये जो है वेव फॉर्म फॉल होती है, उसके बाद वापस अगेन रिट्रेस टाइम। आइडियली ये जो रिट्रेस टाइम होता है वो जीरो होता है आइडियली, बट इन प्रैक्टिकली ये कुछ टाइम होता है जिसमें वो वापस अपनी बैक पोजीशन पे आती है और अगेन जो है स्वीप टाइम वो स्टार्ट करती है। तो जो सेकेंड मेथड है सिंक्रोनाइजेशन का वो है ट्रिगर्ड स्वीप मेथड, जिसको जनरली काफी यूज किया जाता है। इस ट्रिगरिंग में हमारे पास तीन ट्रिगरिंग के मेथड अवेलेबल हैं, दैट इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जब किया जाता है तो एक्सटर्नल ट्रिगर से ये कनेक्ट हो जाता है, यानी एक्सटर्नली हम ट्रिगर यूज कर सकते हैं। जब इंटरनल या IMT पे किया जाता है तो ये जो इनपुट हम अप्लाई करते हैं वर्टिकल सेक्शन में उसका एम्पलीफाइड वर्जन यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, और जब हम लाइन से कनेक्ट करते हैं तो जो पावर सप्लाई है उसका लोअर AC वोल्टेज पे ये कनेक्ट हो जाता है, जिसकी टिपिकल वैल्यू 6.3 वोल्टेज AC एंड 50 Hz लाइन फ्रीक्वेंसी। सो अगर आप जो है INT से कनेक्टेड है तो आपका इनपुट सिग्नल एम्पलीफाई होके अब ट्रिगर सेक्शन में चला जाएगा, और ट्रिगर सेक्शन जो है वो उसको राइट टाइम पे ट्रिगर करेगा ताकि इन दोनों के बीच में, यानी इनपुट सिग्नल और जो स्वीप जनरेटर जो सिग्नल जनरेट कर रहा है, इन दोनों बीच में सिंक्रोनाइजेशन इस्टेब्लिश हो सके। और इस्टेब्लिश ये जो सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में होते हुए जो है एक्स प्लेट यानी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स में जाता है, और ये वर्टिकल सेक्शन में एम्पलीफाई होके वर्टिकल डिफ्लेक्शन में ये चला जाता है। सो यहाँ पे एक ट्रिगर एग्जांपल के लिए एक ट्रिगर सर्किट दिखाया गया है, जो कि बेसिकली एक सिमिट ट्रिगर और एक RC डिफरेंशिएटर से सिमिट ट्रिगर बेसिकली कंपैरेटर होता है, जिसमें दो थ्रेशोल्ड वैल्यूज होती है, अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू और लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो जैसे ही इनपुट सिग्नल अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस करती है तो आउटपुट हाई हो जाता है, और जब इनपुट लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस करती है तो आउटपुट लो हो जाता है। और इस वेवफॉर्म जो स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेट होती है सिमिट ट्रिगर से, इसको हम जब डिफरेंशिएटर में देते हैं तो बहुत ही नैरो पल्स जनरेट होती है, जो कि इस स्वीप जनरेटर को ट्रिगर करने में काम में ली जाती है, ताकि हम सिंक्रोनाइजेशन ऑब्टेन कर सकें। CRO की हेल्प से हम जो वेवफॉर्म डिस्प्ले हो रही है उससे उसका एम्पलीट्यूड, उसकी फ्रिक्वेंसी और जो दो वेवफॉर्म है उसका हम फेज शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। CRO की स्क्रीन कुछ इस तरह से होती है, जिसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, उस नंबर ऑफ ब्लॉक्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो अगर हम एक ब्लॉक को अगर उसकी जो साइड है उसको हम अगर एक यूनिट कंसीडर करते हैं और उस एक यूनिट को हम इक्वली 5 भागों में अगर डिवाइडेड करते हैं, सो 1/5 इज इक्वल टू 0.2, यानी एक स्मॉल जो पार्ट है वो 0.2 को रिप्रेजेंट करेगा इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इन वर्टिकल डायरेक्शन। सो सपोज दिस इज द वेवफॉर्म, दो वेवफॉर्म यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि एक ग्रीन कलर में है और एक जो है ब्लू कलर में है, उसका हमको पीक वोल्टेज और पीक टू पीक वोल्टेज कैलकुलेट करना है। सो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ग्रीन जो ग्रीन वेवफॉर्म का, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और पीक पे जाने में ये कितने नंबर ऑफ डिवीजन कवर करती है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनिशियल रेफरेंस लेवल से ये तीन ब्लॉक कंप्लीट कवर करती है, 1, 2 एंड 3, यानी 3 कंप्लीट 1 यूनिट, एंड जो फोर्थ ब्लॉक है उसके 4 भाग ये कवर करती है। तो एक भाग जो है 0.2 का है, सो 4 भाग जो है वो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, तो 3 प्लस 0.8 विल बी 3.8 डिविजन्स। सो 3.8 डिवीजन को हम जो है एक CRO पे फ्रंट पैनल पे एक नॉब होती है जिसपे वोल्टेज पर डिवीजन लिखा रहता है, कुछ CROs में LCD होती है जिसपे वोल्टेज पर डिवीजन एंड टाइम पर डिवीजन की वैल्यू डिस्प्ले होती है, और कुछ CRO की नॉब होती है उसपे एक डॉट लगा रहता है, और डॉट के सामने वाली जो वैल्यू है उस नॉब, अगर नॉब वोल्टेज पर डिवीजन है तो वो वोल्टेज पर डिवीजन को इंडिकेट करेगा, और टाइम पर डिवीजन की नॉब है तो टाइम पर डिवीजन इंडिकेट करेगा। सपोज उस पोजीशन पे जो वैल्यू है वो
वोल्टेज पर डिवीजन की 100 मिली वोल्ट पर डिवीजन है, तो वोल्टेज पर डिवीजन को जो नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्टिकल डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.38 वोल्ट जो है पीक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर आपको पीक टू पीक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये जो वेवफॉर्म है वो यहाँ इनिशियल पोजिशन से स्टार्ट होती है, पीक पॉजिटिव पे जाने के बाद वापस जीरो एंड अगेन नेगेटिव पीक पे ये जाती है। तो 3.8 डिवीजन इन अपर डायरेक्शन और 3.8 डिवीजन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो टोटल जो है 3.8 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड अगेन जो है वोल्टेज पर डिवीजन की वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करेंगे सो डिवीजन से डिवीजन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे डिवीजन और ये डिवीजन कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास जो वैल्यू है वो वोल्ट में यहाँ पे आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट हम करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन द टाइम पीरियड एंड सबसे पहले हमको टाइम पीरियड निकालना होगा, यानी ये जो साइकिल है ग्रीन जो वेवफॉर्म है वो एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में कितने नंबर ऑफ डिवीजन या जो टाइम है वो लगाती है वो हमको कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि ये एक साइकिल कंप्लीट करने में कितने नंबर ऑफ डिवीजन लेती है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 यानी 10 कंप्लीट जो डिवीजन है वो यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट करने में लेती है और टाइम पर डिवीजन की वैल्यू 0.5 मिलीसेकंड्स है। तो 0.5 मिलीसेकंड्स पर डिवीजन मल्टीप्लाई बाय 10 डिवीजन, तो डिवीजन से डिवीजन कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू है वो 5 मिलीसेकंड आ जाएगी, यानी टाइम जो टाइम पीरियड है इस साइकिल का वो 5 मिली सेकेंड आ गया। अब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, सो 1 अपॉन 5 मिली सेकेंड जब करेंगे तो 200 हर्ट्ज इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सीआरओ की सहायता से हम दो जो इक्वल फ्रीक्वेंसी है उनके बीच में फेज शिफ्ट की गणना भी कर सकते हैं। सो फिगर में हम देखते हैं कि देर आर टू वेवफॉर्म्स, एक ग्रीन कलर में है और एक ब्लू कलर में, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है बट इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए देर इज अ रिलेशन जो कि है 2π/T, टी यहाँ पे टाइम पीरियड है वेवफॉर्म्स का एंड मल्टीप्लाई बाय T1-T2, T1-T2 इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू वेवफॉर्म्स, दोनों वेवफॉर्म्स के बीच का टाइम डिफरेंस। तो टाइम डिफरेंस निकालने के लिए हम इनकी जो पोजीशन है उनका डिफरेंस निकालते हैं। तो इन ये दोनों जो वेवफॉर्म्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इन दोनों के बीच में दो ब्लॉक्स का जो है डिफरेंस है, तो टू डिवीजन इनमें डिफरेंस है और जब इन डिविजन्स को इनके वो टाइम पर डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देते हैं दैट इज 0.5 मिली सेकेंड पर डिवीजन, तो डिवीजन से डिवीजन जब कैंसिल हो जाएगा तो इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस आ जाएगा और ये टाइम डिफरेंस 2π/T से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस आ जाएगा जो कि यहाँ पे 72 डिग्री कैलकुलेट करने पर आया है। तो इस तरह से हम वेवफॉर्म की एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और दो इक्वल फ्रीक्वेंसी की वेवफॉर्म के बीच में फेज शिफ्ट की गणना कर सकते हैं। सीआरओ के कुछ स्पेशल पैटर्न बनाए जा सकते हैं, उन पैटर्न्स की मदद से हम कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि दो सिग्नल है उनके बीच में फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है या दो सिग्नल है उनके बीच में उनके बीच में कितना फेज शिफ्ट है, तो उन पैटर्न्स को देखते हुए हम कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पैटर्न जो है वो किस तरह से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि वाई जो प्लेट्स हैं यानी वर्टिकल प्लेट्स हैं उस पे हम जो इनपुट सिग्नल है वो देते हैं और एक्स प्लेट पे हम जनरली सातूत सिग्नल या जो रैम टाइम बेस्ड सिग्नल वो देते हैं। तो यहाँ पे जब लिसासूस पैटर्न ऑब्टेन करने होता है तब हम एक्स प्लेट यानी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे सातुत वेव नहीं देते हैं, हम एक दूसरा सिग्नल देते हैं जिसको हम इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आपको ऑब्टेन करना होता है या लिसाजूस पैटर्न ऑब्टेन करना होता है, तो एक्स प्लेट पे हम एक और सिग्नल देते हैं, सपोज करो एक साइनोसॉइडल सिग्नल है, यहाँ पर भी एक साइनोसॉइडल सिग्नल है और दोनों की जो है टाइम पीरियड सेम है यानी दोनों का फ्रिक्वेंसी सेम है और दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो हमको एक इनक्लाइन लाइन यहाँ पे दिखाई देगी। तो जब एक इंक्लाइन लाइन यहाँ पे दिखाई देगी इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है, तो ये एक लिसाजूस पैटर्न है जिससे हम ये ऑब्टेन कर सकते हैं कि ये इन दोनों के बीच में कोई भी
फेस शिफ्ट नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ लिसाजुस पैटर्न कि सपोज करो कि यहाँ पे जैसे ही सेम है कि ये एक सिग्नल है दूसरा सिग्नल है, इन दोनों के बीच में कोई भी फेस शिफ्ट नहीं है, तो एक लाइन यहाँ पे दिखाई देगी। थीटा जो है वो डिपेंड करता है कि इनका एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है, अगर दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर है तो थीटा आई थिंक 45 डिग्री हो जाएगा, और अगर इनके जो एम्पलीट्यूड है वो कुछ अलग होगा तो उसकी वजह से इनका जो थीटा है वो डिपेंड करेगा। और सेकंड हम देखते हैं कि अगर एक सिग्नल है जो कि 90 डिग्री एक दूसरे से फेस शिफ्ट है, यहाँ पे जो वाई प्लेट्स में हमने सिग्नल दिया है और जो एक्स प्लेट में सिग्नल दिया है, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स और वाई वर्टिकल प्लेट्स में जो सिग्नल दिए हैं वो दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री फेस शिफ्ट है, तो यहाँ पे एक जो है रिंग या सर्कल जो है हमको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये सर्कल ये शो करता है कि जो दो सिग्नल आपने एक्स और वाई प्लेट में दिए हैं उनके बीच में जो है 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। तो ये एक लिसाजुस पैटर्न है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि दोनों के बीच में जो है 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। इसी तरह दो सिग्नल जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है और उनके बीच में जो फेज शिफ्ट है वो फाई है, तो जब इन सिग्नल्स को अप्लाई किया जाता है रेस्पेक्टिवली वाई प्लेट्स यानी वर्टिकल प्लेट्स में और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे जब अप्लाई किया जाता है तो एक लिसाजुस पैटर्न आपको मिलता है, एक इंक्लाइन इलिप्स जो है आपको ऑब्टेन होता है। इसी तरह से काफ़ी सारे लिसाजुस पैटर्न यहाँ पे दिखाए गए हैं जो कि बताते हैं कि जो सिग्नल आपने अप्लाई किए हैं वाई प्लेट्स पर एक्स प्लेट के बीच में कितना है। अगर आपको एक इंक्लाइन लाइन मिलती है इसका मतलब इनके बीच में फेज शिफ्ट जो है वो 0 डिग्री होगा, यानी अगर ये इंक्लाइन लाइन जो है वो एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल पे, इसका मतलब दोनों की फ्रिक्वेंसी एंड उनका जो वोल्टेजेस है वो बराबर होगा। अगर जो है वाई वोल्टेज पे यानी वर्टिकल वोल्टेज पे लगाया गया जो सिग्नल है वो ज़्यादा वोल्टेज का है तो जो एंगल है वो 45 से ज़्यादा होगा, और अगर जो वोल्टेज है वो एक्स प्लेट पे जो सिग्नल है वो ज़्यादा है तो एंगल जो है वो 45 से कम हो जाएगा। और अगर दोनों बराबर है, दोनों वोल्टेजेस जैसे इस केस में प्रीवियसली केस में बराबर लिए थे हमने, तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये 45 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से जैसे ही एंगल जो फेज शिफ्ट एंगल वो बढ़ता है तो शेप जो है वो लाइन से इलिप्स, इलिप्स से इन दोनों के सर्कल और इलिप्स के बीच का ऑप्टेन होता है। जब एग्जैक्टली 90 डिग्री फेस शिफ्ट होता है या 360 माइनस 90 डिग्री 270 डिग्री होता है तो एक एग्जैक्ट सर्कल यहाँ पे ड्रॉ होता है, और जैसे ही एंगल 90 डिग्री क्रॉस करता है जो है इनका जो इंक्लिनेशन है वो चेंज हो जाता है, जैसे इस केस में यहाँ पे, और जो लाइन है वो अगर 180 डिग्री का फेस शिफ्ट है तो इंक्लिनेशन जो है वो 135 एंगल पे हो जाएगा। इस तरह से जो है इनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हुए हम इन दोनों सिग्नल जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है बट उनके बीच में हो सकता है कुछ फेज डिफरेंस है तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक और मेथड है जिसकी मदद से हम फेज शिफ्ट मेजरमेंट कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग द लिसाजुस पैटर्न। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि एक इंक्लाइन एलिप्स है जो कि जिनकी वैल्यू रेस्पेक्टिव वाई एक्सिस पे ए और बी है, तो जो साइन थीटा है वो ए बाय बी करने पे या थीटा जो है इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए बाय बी करेंगे तो इन दोनों जो सिग्नल है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो सिग्नल अप्लाई किया था और एक्स यानी हॉरिजॉन्टल प्लेट पे जो सिग्नल अप्लाई किया था उनके बीच का ये जो फाई है फेज शिफ्ट है वो कैलकुलेट हो जाएगा इस थीटा से। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए बाय बी, जहाँ पे ए जो है वो ये वर्टिकल वैल्यू है और बी जो है वो इसकी जो पीक वैल्यू है वो एक्स एक्सिस से कितनी है, उस वैल्यू के दोनों वैल्यूज के जो रेशियो लेंगे और उसका साइन इनवर्स करेंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि अगर यहाँ पे जो फिगर है वो एक सर्कल होता तो सर्कल के केस में जो ए है वो बी के बराबर होता, यानी ए बाई बी करेंगे तो साइन इनवर्स 1 यानी 90 डिग्री, यानी इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर एक सर्कल है तो इन दोनों के बीच में जो फेज शिफ्ट होगा वो 90 डिग्री होगा। लिसाजुस फिगर की सहायता से हम फ्रिक्वेंसी का मेजरमेंट भी कर सकते हैं, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं कि जो अननोन फ्रिक्वेंसी है उसको हम जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे अप्लाई करते हैं और जो नॉन फ्रिक्वेंसी है उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्स प्लेट पे अप्लाई करते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से एक फिगर यहाँ पे जनरेट हुआ है।
तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि जो फिगर है वो या तो एक इलिप्स या सर्कल आए जो कि इंडिकेट करता है कि दोनों फ्रिक्वेंसी बराबर है, यानी नॉन फ्रिक्वेंसी हमको पता है तो हम चाहते हैं कि अननोन फ्रिक्वेंसी को नॉन फ्रिक्वेंसी के इक्वेट करें। सो अगर इन सम केसेस अगर ये पॉसिबल नहीं होता है तो हम ट्राई करते हैं कि जो नॉन फ्रिक्वेंसी है उसके उस अननोन फ्रिक्वेंसी के मल्टीपल या उसके सब मल्टीपल के इक्वल करते हैं, और कुछ फिगर यहाँ पे लिसाजुस फिगर यहाँ पे डेवलप होगा, और उन लिसाजुस फिगर को हम एक मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि फिगर में यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स प्लेट पे वाई प्लेट पे जो हमने फ्रिक्वेंसी अप्लाई की है वो ट्वाइस है टू जो फ्रिक्वेंसी हमने एक्स प्लेट पे अप्लाई की, और दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है। तो कुछ ऐसा जो फिगर है फिगर ऑफ एट जो है वो यहाँ पे बनेगा। उसके बाद हम एक मेथड अप्लाई करते हैं, वो मेथड ये है कि एफ वाई अपन एफ एक्स। एफ वाई मतलब जो फ्रिक्वेंसी सिग्नल हमने वाई प्लेट पे अप्लाई की है, और एस एफ एक्स जो कि नॉन फ्रिक्वेंसी जो हमने एक्स प्लेट पे अप्लाई की है, उन दोनों का जो रेशियो है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स, यानी हम अगर एक लाइन ड्रॉ करें इस कर्व पे इस तरह से कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स को ये टच करती है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और वो कितने पॉइंट्स पे कर्व को टच करती है, तो नंबर ऑफ टचेस ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन अपॉन नंबर ऑफ टचेस ऑन वर्टिकल साइड जो है उन दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा एफ वाई अपॉन एफ एक्स का जो रेशियो होगा। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक लाइन खींची है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि इस कर्व को दो पॉइंट पे टच कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक टेंजेंट यहाँ पे इस तरह से हमने ड्रॉ किया है जो कि एक पॉइंट यहाँ पे टच कर रही है, तो रेशियो टू इस टू वन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक इस तरह सा लोब है जिसमें तीन सब लोब्स है और एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट को इस तरह से, तो तीन जो है ये टच पॉइंट हमको मिलते हैं और वर्टिकल में एक ही मिलता है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं, तो इन डिफरेंट पैटर्न पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के और वर्टिकल लाइन खींच के नंबर ऑफ जो टचेस पॉइंट है उनके रेशियो से देर विल बी अ रेशियो एफ वाई अपॉन एफ एक्स। यहाँ पे एफ वाई फ्रिक्वेंसी ऑफ अननोन सिग्नल है जिसको हमने वाई प्लेट पे अप्लाई किया है, और एफ एक्स जो है नॉन फ्रिक्वेंसी है, तो इससे हमें जो अननोन फ्रिक्वेंसी है उसका मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पे एक स्पेशल केस दिखाया है कि अगर यहाँ पे एक ऐसा फिगर जनरेट होता है जिसमें आपका जो कर्व है वो कम्प्लीट नहीं होता है, क्लोज नहीं होता है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ टचेस पॉइंट है या यहाँ पे जो टेंजेंसी है उसको हाफ लेना पड़ेगा, यानी हमने लाइन ड्रॉ किया तो ये कम्प्लीट टच बट दिस वुड बी अ हाफ, सो 2 + 1/2, और वर्टिकल में ये वन पॉइंट पे टच हो रहा है तो 1/1, सो जो रेशियो ऑफ फ्रिक्वेंसी विल बी 5/2। एक और अल्टरनेटिव मेथड है जिसको जिसमें हम क्या करते हैं, इस कर्व पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो कितने इंटरसेक्शन यहाँ पे कर्व को करती है, जैसे कि यहाँ पे एक यहाँ पे पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट, सो जो रेशियो हो जाएगा 5, और वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ करें और वो कर्व को कितने कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, तो 1 और 2, तो 5/2। सो इस तरीके से भी हम जो है फ्रिक्वेंसीज का रेशियो निकाल सकते हैं। फ्रिक्वेंसी का रेशियो आने के बाद एफ एक्स इज द नॉन फ्रिक्वेंसी जो कि हमने एक वेरिएबल स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी सोर्स से अप्लाई किया है, और एफ वाई जो है वो एक अननोन फ्रिक्वेंसी है, सो इजीली जो है एफ वाई फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट हो सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह जो फ्रिक्वेंसी एंड फेज शिफ्ट है वो लिसाजुस फिगर से ड्रॉ किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लिसाजुस फिगर जो कि सीआरओ में जनरेट होते हैं, जिसकी सहायता से हम फ्रिक्वेंसी फेज शिफ्ट की गणना कर सकते हैं। एट द लास्ट हम देखते हैं कि क्या क्या सीआरओ के एप्लीकेशन है, यूजेस हैं। जैसे कि हमने देखा कि सीआरओ डिफरेंट जो वेवफॉर्म्स होती है उनको ऑब्जर्व करने में काम में लिया जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ वेवफॉर्म्स है, जैसे कि
रेडियो कम्युनिकेशन है और टीवी कम्युनिकेशन है, और टीवी जो सेक्शन है, टीवी रिसीवर है, उनके डिफरेंट सेक्शन में हम अलग अलग वेवफॉर्म को देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ पे फॉल्ट है और उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो ये वहाँ पे हम लोग ये इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा वोल्टेज मेजरमेंट है, करंट मेजरमेंट है, और फेज एंड फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। CRO बेसिकली वोल्टेजेस पे काम करता है, बट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर हम जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, स्ट्रेन, एक्सेलरेशन, प्रेशर और अदर फिजिकल क्वांटिटीज, उनको हम वोल्टेजेस में चेंज कर सकते हैं और उनको विजुलाइज कर सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। सो देर इज अ लॉट ऑफ यूजेज एंड CRO इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन एंड अदर रिसर्च एरियाज। सो रेफरेंसेस के लिए मैंने जो है वो केसानी की इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की बुक रेफर की, जो कि मेजरली जो पोर्शन है वो वहाँ से लिया गया, इस बुक से लिया गया है। और कुछ डायग्राम्स, जो ब्लॉक डायग्राम्स हैं, फिगर्स हैं, वो जो है मैंने थ्रू इंटरनेट से यहाँ पे लिया गया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अ टाइम विद दिस ई लेक्चर, और आई एम श्योर कि आप इस लेक्चर के बाद किसी भी तरह की जो है CRO के बारे में आप अवेयर हो गए होंगे, किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से ये काम करता है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इसके इंटरनली कैसे फंक्शनिंग होती है। आई एम श्योर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और एनी क्वेरीज के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है mohammed.syja11@gmail.com। सो आप इस आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज। थैंक यू, थैंक यू ऑल द व्यूअर्स। आई एम श्योर कि इस पूरे लेक्चर में जिसमें हमने ये कवर किया कि CRO क्या होता है, CRO का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंटरनल ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, इंटरनल फंक्शनिंग क्या होती है, डिफरेंट जो पार्ट की हमने स्टडी की है, इसके अलावा जो CRO की मदद से हम क्या क्या गणनाएँ कर सकते हैं और इनकी क्या एप्लीकेशन हैं, इनके क्या यूजेज हैं, आई एम श्योर ये आप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और एनी काइंड ऑफ क्वेरीज के लिए मेरा जो ईमेल आईडी है वो अच्छे mmed.syja11@gmail.com। तो फॉर एनी क्वेरीज आप इस ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई विल रेस्पॉन्ड फॉर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस CRO। एंड अगेन थैंक यू TTC and RRDC फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you.